महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान घाटे खेती कर रहा है, महंगी खाद है, महंगा बीज है, शिक्षा और चिकित्सा भी नहीं किसान की बच्चों की हो पाती है, फसल बीमा किस भी नहीं दे पाता है। जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है 2,69,605 किसानों को भुगतान पर रोक लगा दी गई, तो उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान है। सवाल मनोहर, जो इन्होंने प्रथम किस्त द्वितीय किस्त दिया है उसमें 39,89,999 किसानों का अंतर है। तो हम माननीय मंत्री जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, चूंकि कृषि प्रधान देश है, 500 रुपये में कुछ नहीं हो सकता। सवाल प्लीज, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये 6,000 रुपये जो साल किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो कम से कम 3,000 रुपये महीना जो है किसान सम्मान निधि करने कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि 6,000 रुपया सरकार की ओर से किसानों के अकाउंट में देने की जो घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की, अभी ये आप कह रहे हैं कि थोड़े कम हैं, ये बात सही है, मगर ये बात भी सही है कि आज़ादी के बाद यदि किसानों के अकाउंट में भारत माता की तिजोरी से कोई पैसा पहुंचाने का काम हुआ तो ये हमारी सरकार ने किया है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसान वैसे स्वभाव से तो देने वाला था, वो लेने वाला तो था ही नहीं, इसीलिए उसका नाम अन्नदाता था, मगर इनकी जो हालत हुई है उस हालत के चलते उसको मदद करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए ये सरकार ने एक प्रमाणिक प्रयास किया है। फिर भी आपका सुझाव जो है वो अच्छा है, उसमें भी कभी इस बारे में भी देखा जा सकता। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट। उपसभापति महोदय, जो 2011 के जनगणना के आंकड़े आए हैं, इस देश में किसान के साथ खेतिहर मजदूर भी है, 14.43 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा सवाल पूछूंगा, मैं आगे सीधा सवाल ही पूछिए कि किसान सम्मान निधि से जो है क्या जो खेतिहर मजदूर 14.43 करोड़ है, क्या उसको भी जोड़ेंगे, उसको भी कवर करेंगे? धन्यवाद। हम सब जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि ये किसानों को मदद करने के लिए ये योजना बनाई गई है, और अभी तक हमारी जो मान्यता व अभी हमारी जो धारणाएं हैं वो ये हैं कि किसान जो भूमि का मालिक होता है उसको ही किसान माना जाता है। तो ये योजना है वो किसानों के लिए ही है, अभी इस योजना में कोई मजदूरों के लिए कोई प्रावधान की बात अभी तक नहीं है। धन्यवाद। राम कुमार कश्यप जी। जी ने अभी कहा ये स्कीम जो है किसानों के लिए है, पर सर हमारे देश में कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी अपनी खेती की लैंड तो नहीं है, परंतु वो खेती का काम करते हैं और खेती का काम करके राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान करते हैं। इसलिए मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे किसान जो खेती करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और वो उनके नाम जमीन नहीं है, क्या ऐसे प्रकार के किसानों को भी इसमें जोड़ने का काम करेंगे? मैंने पहले उत्तर में जो बताया वही है कि अभी ये योजना का स्वरूप सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में बहुत विनम्रता पूर्वक मैं लाना चाहता हूँ कि ये जो भूमि के मालिक जिस किसान हो है उसी किसानों के लिए ही ये योजना है। ये बात आपकी सही है कि इसमें बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और पट्टे पे करते हैं या किराए पे करते हैं, मगर ऐसे किसानों का समावेश इस योजना में अभी नहीं है। धन्यवाद। संजय सिंह, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो समर्थन मूल्य सरकार की ओर से घोषित होता है उसको किसान क्रय केंद्रों पर बिचौलिए किसानों के साथ एक प्रकार से भ्रष्टाचार करके और वहां पर जो उनको सरकारी क्रय केंद्रों पर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, नंबर एक। और किसान क्रेडिट कार्ड में जो फसल बर्बाद होने पर उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, इस पे क्या सरकार कुछ कर रही है? माननीय सभापति महोदय, वैसे माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल वाजिब है, मगर इस प्रश्न में ये प्रश्न जो है वो किसान सम्मान निधि के बारे में है, मगर ये विषय से मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ
कि ये बिचौलियों को जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम खरीद करते हैं उसमें उनको मदद मिले किसानों को, इसके लिए सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है वो किसानों के अकाउंट में दी जाती है। अभी किसी बिचौलियों के अकाउंट में राशि जाती नहीं है, ये प्रयास हम कर रहे हैं और इसको एक इनाम प्लेटफॉर्म भी रखा सरकार ने क्रिएट किया है जिसके जरिए भी किसान डायरेक्ट अपना माल खरीद फरोख्त कर सकता है और इसमें बिचौलियों की समाप्ति के लिए कर दिया गया। ये आपने पूछा किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी विषय इस क्वेश्चन के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है मगर मैं सभी सांसदों को नम्रतापूर्वक विनती करना चाहता हूँ सर, हमारी सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के जो किसान हैं उनमें जो कभी कभी ये मुद्दे उठते हैं आत्महत्याओं के और उसी में उनको ऋण का मुद्दा होता है कि उनको संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं होता है, इसका हल निकालने के लिए देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले इस प्रकार का ड्राइव पूरे देश में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष श्री हमारे सभी सांसदों को विनती करता हूं कि अपने अपने एरिया के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलवाने में अपना सहयोग करें, उनको बैंक के साथ जुड़े। किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाने से 1,60,000 रुपया जितनी राशि उनको बिना कोई मॉर्गेज किए बिना उनको मिल सकती। धन्यवाद मंत्री जी। श्रीमती छाया वर्मा। सर माइक। सर आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ 6,000 जो किसान को आप दे रहे हैं उसमें पहला किस्त 2,000 दिए, उसमें 3,86,00,000 किसानों को दिए, लेकिन जब उनको दूसरा किस्त दिए तो 2,96,00,000 आपने दिया, तो ये बीच का गैप बाकी किसानों को क्यों नहीं दिया गया? ये एक मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में आपके माध्यम से आया है, तो ये अंतर क्यों है ये मैं जानना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, ये माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल वाजिब है कि उसमें दोनों फिगर में अंतर है। वो इसलिए होता है कि ये प्रक्रिया ऐसी है कि राज्यों की ओर से किसानों के नाम हमारे पीएम किसान पोर्टल पे लोड होते हैं, बाद में उसकी सत्यापन करने के समय कुछ इसमें मिसमैच होता है कुछ नाम में, तो वो नाम निकल जाते हैं। तो पहली किस्त में जितने मिले हैं दूसरी किस्त में तो इनसे ज़्यादा लोगों को मिलने वाला है वास्तव में तो, मगर ये तो कुछ डेट के हिसाब से जो आपको बताया ये निरंतर जारी है। अभी मैं बता रहा हूँ तभी तक भी कई किसानों को ये रिलीज हो चुका होगा, ये नियमित और निरंतर प्रक्रिया है। राज्यों की ओर से अपलोड होता है, उसका सत्यापन करने के बाद जो मिसमैच होता है वो हम फिर से राज्यों को भेजते हैं, फिर से सत्यापन होता है, फिर से इनको मिल जाता है। धन्यवाद। सर पहला सप्लीमेंट। सर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी अच्छी जो स्कीम है उसमें अगर राज्य सरकारें डाटा नहीं देती हैं किसानों के बारे में तो सरकार के पास उसका क्या तरीका है कि किसानों को उसका लाभ मिले, और वो डाटा अगर गलत देती है तो क्या सरकार उसको चेक करती है? नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट जहाँ पर जमीनों का मालिकाना हक सोसाइटीज़ के पास है, खुद किसानों के पास जो खेती करते हैं उनके पास नहीं, उनके पास, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? सर ये माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की कि कई राज्य की ओर से डेटा आता नहीं है, तो ये हमारा संघीय ढांचा है, हम राज्य सरकारों को विनती करते हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि बहुत सारे राज्यों ने अभी रुचि लेना शुरू कर दिया है। हमारे सीनियर मेंबर बंगाल के इधर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बंगाल के किसानों को बेनिफिट मिले इसलिए आपके यहां से डेटा लाने में आप राज्य सरकार को किसानों के हित में बताएंगे। दूसरा, हमारे माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि उत्तर पूर्वीय राज्यों में कई जगह पे ऐसी स्थिति है सर कि वहाँ अपनी ज़मीन की मालिकत वो किसानों की है ही नहीं, ऐसे 3 राज्यों से हमारे पास कंप्लेन आई थी, मणिपुर, नागालैंड और झारखंड।
मुझे ये बताते हुए खुशी है सर कि मणिपुर की राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रस्तुत किया गया था कि इन राज्य में अधिकतर भूमि कम्युनिटी की है, व्यक्तिगत किसानों की नहीं है, और गांव के मुखिया वो खेती किसान परिवारों को अधिकृत करके देते हैं। इसके लिए एक हमने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री एवं वहां के मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों की, उस कमेटी ने वहां की राज्य सरकार ने ऐसा प्रस्ताव दिया कि ये जो वहां के मुखिया होंगे और राज्य सरकार, ये जो किसानों को ज़मीन अलॉट उन्होंने की है उनके नामों का दरखास्त करेंगे और राज्य सरकार इसको अधिकृत करके हमको भेजेंगे तो हम इसको मान्य कर देंगे, ऐसा समाधान इनका कर दिया है। उसी तर्ज पर नागालैंड का भी सॉल्यूशन कर दिया गया है। और झारखंड में एक ऐसी समस्या थी माननीय अध्यक्ष जी कि वहाँ 32 से लैंड रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हुआ था, तो उस जमाने के जिनके नाम थे उसके बाद के उनके परिवारों के नाम नहीं थे, तो वे सरकार के साथ बैठ के उसकी वंशावली को अनुमोदित राज्य सरकार से करवा के उस वंशावली को मान्यता देने का निर्णय कर दिया। धन्यवाद। दूसरा सवाल सर, देखने में ये आया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यश केंद्र सरकार को ना मिले और ऐसी और भी योजनाएं हैं, इसके लिए राज्य सरकारें या तो उनको लागू नहीं कर रही हैं या डाटा को नहीं भेज रही हैं। तो सवाल यह है कि उनका हक तो बनता है, केंद्र सरकार उनके लिए क्या कर रही है? ऐसा ही एक राज्य दिल्ली है जिसके बारे में मेरा प्रश्न है कि दिल्ली ने इस योजना को लिया है कि नहीं लिया? आपको जो किसानों की सूची है उनकी सूची सौंपी है कि नहीं सौंपी है? और अब तक आपने जो अपने डाटा में दिखाया है कि एक भी पैसा जो है दिल्ली ने लिया नहीं है अब तक, तो इसका क्या कारण है दिल्ली के बारे में? आपकी सही है कि दिल्ली के किसानों को इनका बेनिफिट नहीं मिला है, और उसकी वजह भी यही है कि दिल्ली की ओर से ये डेटा राज्य केंद्र सरकार की ओर नहीं आया है। यहाँ एक दो इश्यू हैं, अभी दिल्ली के भी हमारे एक माननीय सांसद में गृह में उपस्थित है, तो इनके जरिए मैं इनके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि एक तो जो भी डेटा अवेलेबल है उसको यदि केंद्र की ओर भेज दिए जाएंगे तो पैसे यहाँ पड़े हैं, सिर्फ आप प्रस्तुत संस्तुति करके राज्य सरकार इनको अप्रूव करके भेजे। वहाँ एक इश्यू और भी है, वहाँ किसी किसानों का उसका अधिकार जो था उसको नाबूद करने का एक कोई निर्णय हुआ है, तो उसकी भी समीक्षा करके यदि किसान जो है आप दिल्ली के पेरिफेरी वाले किसान उनको भी ये लाभ मिले, इस प्रकार की कार्यवाही करने में राज्य का सहयोग मिले, ये माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं उन राज्य के प्रतिनिधियों को अपील करता हूँ। विजयपाल सिंह तोमर माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तहसीलों में रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक ना होने के कारण उत्तर प्रदेश के बहुत से किसानों को अभी तक पहली किस्त भी नहीं मिली है, तो ये क्या प्रदेश सरकार से बात करके माननीय मंत्री जी कोई समय सीमा निर्धारित की है कि तब तक वो ठीक करके रिकॉर्ड दे देंगे, और कितने ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में? धन्यवाद। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था सर कि ये पहली बार जब ये कार्यक्रम लॉन्च ही उत्तर प्रदेश से किया गया था, और तभी जो एरर आया था, मिसमैच हुए थे नाम, इसमें ज़्यादातर सर सरकार की ओर से आए हुए नाम और बैंकों की ओर से आए हुए नाम, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहने की वजह से भेजे गए थे, उनमें से 23,000 नाम करेक्ट करके भी आ गए हैं, और उनकी संस्तुति हमने आगे उसको किसानों को मिल जाए इसके लिए कर भी दी गई है, और ये नियमित रूप से हम इनके साथ कृषि मंत्री के साथ हमने रूबरू बैठ के भी इस इश्यू को बातचीत में लिया था, और जल्द से जल्द इनका निपटारा करने के लिए राज्य सरकार भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और केंद्र के हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। धन्यवाद। क्या कैसा पर भी